माननीय श्रीमती महुआ माझी जी, धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूं कि उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 ला रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अगर कोई इस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करे तो उस पर फाइन लगाया जाना उचित ही है। यहाँ अमीर गरीब सब पर 10 लाख और जो भी फाइन लगाए जा रहे हैं, इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आम जनता पर ये फाइन लगाया जा रहा है, लेकिन अगर सरकार और केंद्र सरकार इस तरह से कुछ गलती करे, कार्बन उत्सर्जन या पर्यावरण को प्रदूषित करे अपनी गलतियों से, तो आम जनता किससे फाइन लेगी? मेरा संदर्भ यूरेनियम माइन से है, जो कि झारखंड में है, जादूगोड़ा। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जादूगोड़ा यूरेनियम उत्सर्जन का या यूरेनियम खनन का अब तक का एकमात्र स्रोत रहा है। अभी हमारे माननीय सांसद कह रहे थे कि साउथ में कोडाईकनाल में विरोध हुआ। ये विरोध बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जादूगोड़ा में जब पहली बार यूरेनियम की माइनिंग आरंभ हुई, उस समय सुरक्षा मानक, चूंकि ये डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में है, ये राज्य सरकार के अंडर में नहीं है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पर जो सुरक्षा मानक है उनको अनदेखी उनकी हुई, और उससे वहाँ जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी में बमबारी होने के बाद जिस तरह की विकलांगता देखने को मिली आने वाले कई पीढ़ियों तक, उस तरह की विकलांगता जादूगोड़ा की जो आदिवासी हैं उनमें देखी गई, और अभी भी उसका प्रभाव है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब यूरेनियम को धरती से निकाला जाता है, उसका खनन होता है, तो उसे निकाल के जहाँ पर रखा जाता है उसके बाद से उसका प्रदूषण फैलता रहता है और लाखों सालों तक वो होता ही रहता है, वो गनशॉट की तरह वो प्रदूषण फैलता रहता है। आज भी आप जाकर देखेंगे कि जादूगोड़ा जैसे जो भी माइंस उस इलाके में हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ पत्थर जमीन के अंदर से निकाल कर रखे गए हैं, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहाँ पर ले जाने से पहले सालों तक वहाँ पर उनका ढेर लगा रहता है पहाड़ की तरह। वहाँ जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वो जो यूरेनियम के जो भी कण हैं वो पानी में धुलकर, वहाँ लोकल नदी है गारो नदी, उस नदी में जाती है और वो नदी स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिलती है, और स्वर्णरेखा नदी बंगाल बिहार झारखंड से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जाती है, और वहाँ जाते जाते लाखों करोड़ों लोगों को वो संक्रमित करती है और पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। जादूगोड़ा के इलाके में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जो मछलियाँ हैं, वहाँ के पशु पक्षी, सभी लोग रेडिएशन से प्रभावित होते रहे हैं। इस पर अगर आप देखना चाहें तो एक बहुत अच्छी फिल्म है, बुद्धा वीव सिंह जादूगोड़ा, आपने देखा होगा कि उस पर भी काम हुआ है कि किस तरह से वहाँ पर अनदेखी की जा रही है सुरक्षा मानकों की। और यूरेनियम इतना खतरनाक खनिज है कि जो उसके संपर्क में आता है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। मैंने एक उपन्यास भी लिखा है इस पर, मरंगोड़ा नीलकंठ, आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें कि ये सारा रिसर्च भी है, और उसमें देखा गया कि जादूगोड़ा चूँकि जमशेदपुर से 25-30 किलोमीटर की दूरी में है, तो एक समय देखा गया कि जमशेदपुर में 6 महीने के अंदर 600 से ज़्यादा बच्चे से संक्रमित पाए गए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार अपने इन जहाँ जहाँ खनिज वो निकालते हैं इस तरह के खतरनाक, वहाँ भी ध्यान दें, और अगर इस तरह से उनके अधिकारी सुरक्षा मानकों की अनदेखी करें तो उन पर भी फाइन लगाया जाए, ताकि कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ इस तरह से भी देखा जाए। क्योंकि चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिस तरह से साउथ में भी लगाने की बात हुई, आप सभी जानते हैं कि जापान में जब सुनामी आई थी तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है उसमें पानी घुस गया था 15 फीट ऊंची दीवार को फांद कर, और उस पानी के कारण कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था और रेडिएशन निकल कर कैलिफोर्निया तक चला गया था प्रशांत महासागर को पार करके, और अमेरिका ने सबसे बड़ा अपना जनरेटर भेजा था उसे ठंडा करने के लिए, अदरवाइज अब तक पूरी दुनिया तबाह हो जाती। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।